नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाएंगे घर पर केक। बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार होगा और इसे हम बिना अंडे और बिना कंडेंस मिल्क के बनाएंगे। और देखिए कितना सॉफ्ट बना है, हम इसे आपको काट के दिखाएंगे। कितना बढ़िया बनकर तैयार हुआ है, एकदम दानेदार है। तो चलिए इसे हम बना लेते हैं। रेसिपी पसंद आए तो आप हमारी रेसिपी को लाइक भी कर सकते हैं। हमने यहाँ पर चॉकलेट बिस्किट ली हैं, ये टाइगर वाला पैक लिया है हमने, जो छोटा वाला होता है। और यहाँ पे हमने 4 बिस्किट के पैकेट खोल के रखे हैं। तो इस तरह से हमने बिस्किट को ले लिया है। आप कोई भी चॉकलेट बिस्किट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हम इसे जार में डाल लेंगे। तो इन्हें हम तोड़ कर डाल लेंगे ताकि ये अच्छे से पिस जाएँ। सारी बिस्किट हम इसी तरह तोड़ कर डालेंगे। तो जब भी आपका केक खाने का मन करे तो घर पर ही आसान तरीके से आप केक बना सकते हैं। बिस्किट डालने के बाद हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच चीनी। चीनी अपने टेस्ट के हिसाब से आप थोड़ा सा कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं, क्योंकि बिस्किट काफ़ी मीठा होता है तो ज़्यादा चीनी की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम इसे महीन पीस लेंगे, बिल्कुल महीन हमें इसे पीस लेना है। और एक बाउल में हम इसे निकाल लेंगे। इसी तरह से हम बाकी का बिस्किट भी पीस कर निकाल लेंगे। सारी बिस्किट हम पीस कर निकाल लेते हैं। अब हमने यहाँ पे दूध लिया है और ये हल्का गुनगुना दूध है, ठंडा दूध हमें नहीं लेना है। और इस तरह से हम दूध को डाल देंगे। तो इसे हमें ज़रूरत के हिसाब से डालना है। तो हमने पूरा यहाँ पे आधे कप दूध डाल दिया है। और इस बैटर को बनाने में हमें 1 कप दूध का इस्तेमाल लग जाता है करने में। पूरा 1 कप दूध लग जाएगा हमें इस बैटर को अच्छे से बनाने में। आधा दूध हमने डाल दिया है और ये काफ़ी थिक है, तो आधे कप हमने दूध और ले लिया है। और अब हम इसका एक बैटर बना के तैयार करेंगे। और इसी तरह से हम इसे चलाते रहेंगे ताकि इसमें गुलठे ना पड़े। बहुत ही सॉफ्ट अच्छा केक बने हमारा। और पूरा 1 कप दूध इसमें लग गया है इस तरह का बैटर हमें बनाने में। तो आपके बच्चों का जब भी केक खाने का मन करे तो आप बिस्किट से बहुत ही जल्दी घर पर केक बना सकते हैं और ये टेस्टी भी बनता है। और देखें बैटर कितना बढ़िया बनके तैयार हो गया। इस तरह से हम गिरा रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया गिर रहा है। इसी तरह का हमें बैटर बनाकर तैयार करना है। तो बैटर को अब हम साइड रख देंगे और जिसमें हमें केक बनाना है तो केक टिन को हम तैयार कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे केक टिन लिया है। आप भी कोई टिफ़िन होता है ना, जो नीचे से प्लेन हो, कोई डिजाइन ना हो, उस तरह का प्लेन टिफ़िन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अगर स्टील का कोई प्लेन टिफ़िन है आपके पास तो इस तरह से ग्रीस कर लीजिए आप, और नीचे हल्का सा बटर पेपर लगा लीजिएगा और फिर बटर पेपर को भी ऊपर से ग्रीस कर दीजिएगा। और केक टिन हमारा तैयार हो गया है तो इसे साइड रखेंगे। और बैटर में हम 1 चम्मच तेल डालेंगे। तो हमने यहाँ पे रिफाइंड तेल का इस्तेमाल किया है और तेल को हमने डाल दिया है। अब हम इसमें 1 छोटे चम्मच इनो डालेंगे। ये सादा वाला इनो है, इसमें कोई फ्लेवर नहीं रहता है, तो सादा इनो ही हमें इस्तेमाल करना है केक के लिए। और इसी के ऊपर हम 2 छोटे चम्मच दूध डाल देंगे। और दूध डालने के बाद हम तुरंत इसे मिक्स कर लेंगे। हल्के हाथों से मिक्स करेंगे, ज़्यादा हमें मिक्स नहीं करना है, बस हल्के हाथों से इसे हम मिक्स कर लेंगे। और जैसे ही हम इसे मिक्स करेंगे वैसे ही हम इसे केक टिन में डाल देंगे। और देखें अब हम इसे केक टिन में डाल देते हैं। बैटर बहुत बढ़िया बनके तैयार हो गया है। बैटर को डालने के बाद हम थोड़ा सा टिन को एक सा कर देंगे, इस तरह से हिला देंगे। और कढ़ाई को हमने पहले से ही गर्म करने के लिए रख दिया था, तो 10 मिनट पहले आप कढ़ाई को गर्म करने के लिए रख दें। आँच को धीमा रखें। और अब हम इसे पका लेंगे। आप इसे कुकर में भी पका सकते हैं, उसकी रबड़ निकाल लीजिए
और फिर धीमी आंच में उस तरह से पका लीजिए ढककर। अब हम इसे बीच में चेक कर लेंगे। तो देखें अभी हमारा काफ़ी गीला है, ये चाकू पे लग रहा है, तो थोड़ा और पकाना होगा हमें। इसी समय हम थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल देंगे, जो भी आपको ड्राई फ्रूट पसंद हो अपने हिसाब से आप इसमें डाल सकते हैं, या फिर इसे सादा ही बना सकते हैं। और देखें कितना बढ़िया ये फूल कर पूरा फूल हो गया है। तो अभी हम इसे 15 मिनट के लिए और पका लेते हैं और एक बार फिर हम इसे चेक करेंगे। तो 20 मिनट हमने पहले पकाया था, फिर 15 मिनट और देखें अब हम इस ये बहुत ही बढ़िया पककर तैयार हो गया है। एक भी लग नहीं रहा है, ये चिपक नहीं रहा है। तो अब हम गैस को बंद करेंगे और इसे निकाल कर ठंडा करेंगे। ठंडा होने के बाद हम चाकू की सहायता से किनारे से इसे इस तरह से निकाल लेंगे, बहुत ही आसानी से ये निकल जाएगा। बस हल्का हल्का चाकू के किनारे से इस तरह से कर देंगे और इसे प्लेट में पलट देंगे और इसका बटर पेपर निकाल देंगे। और ड्राई फ्रूट से थोड़ा सा हम इसे गार्निश कर देंगे फिर से। और देखिए कितना जालीदार बढ़िया बनकर तैयार हुआ है, बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम बना है। तो चलिए हम इसे काट के भी दिखा देंगे कितना बढ़िया बना है। और देखिए कितना सॉफ्ट है कि ये बिल्कुल टूट रहा है। इसे आराम से हमने थोड़ा सा काट लिया है इस तरीके का। रेसिपी पसंद आए तो रेसिपी को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। तो इस 25 दिसंबर आप ज़रूर ट्राई करें।